बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा दिया था कि जहाँ जहाँ हमारे साथ जुल्म चल रहा है बबर शेर ने मिटाते रहेंगे अल्लाह ताला के मदद से। आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में ये डल वाले आए, जहाँ गवर्नमेंट ने रखे औरत ने डल कॉलोनी एक बनाया, इनके साथ जुल्म चल रहा है, हर लिहाज से इनको नज़रअंदाज किया है। ये घर घर ठोकरे खा रहे, फिर दफ्तर भी जा रहे हैं। आज इनका फरियाद अल्लाह के बगैर कोई नहीं सुनता है। इसीलिए मेरी माएँ हैं, मेरी बच्चे हैं, बेटियां हैं, दोस्त हैं, सब प्रेस कॉलोनी में आ गए, धरने पे बैठ गए। कहाँ बैठे हमारी वीसी साहब, कहाँ बैठे हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब? ये तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे? ये बबर शेर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जुल्म मिटाते रहेंगे, ये जुल्म उबारने नहीं देंगे। मैंने जम्मू कश्मीर के मजलूम के लोगों के साथ एक वादा दिया, जहाँ जहाँ हमारे गरीब मजलूमों के साथ जुल्म चल रहा है अल्लाह ताला के मदद से ये मिटाते रहेंगे, ये जुल्म बबर शेर कभी उबारने नहीं देंगे। अगर गरीब जनता के साथ मुझे खून का कतरा कतरा भी देना पड़ेगा, मैं खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूँ। आप देखो मेरे एक गोद में एक बच्चा है, छोटा सा, आप मेरे खाते 3-4 साल का बच्चा है। ये शर्म आना चाहिए सरकार को। आप देखो छोटे छोटे बच्चे है, ये किसको फरियाद करेंगे? इनका कोई फैसलिटी नहीं है। उधर मैं आपके माध्यम से गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इनका फरियाद जल्द से जल्द सुनो। अगर इनका फरियाद नहीं सुना है, मैं घर घंटा घर पे धरने पे बैठूंगा। तुम क्या दलील तुम प्रोटेस्ट कर क्या दलील वजूहत क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट कहीं प्रोटेस्ट कर तुव कौर समखन स Yes,